ये मूवी बहुत अच्छी लगी हम लोग को। यहाँ पे कैरेक्टर अलग अलग देखने को मिला गया। हर टाइम हम लोग देखते हैं सलमान का बॉडी वगैरह ये वो, लेकिन इसमें स्वेटर से ढका हुआ था सब कुछ, कुछ दिख ही नहीं पाया अच्छा। और इसमें सोहेल खान का कैरेक्टर भी अलग दिखने को मिला, बहुत खूबसूरत था। दोनों भाई एक साथ काम किए, खान फैमिली जहाँ पे है वहाँ पे तो सबका वाह वाह है। इमोशनली है और भाइयों को जाकर देखना चाहिए ये मूवी। भाई के ऊपर ही जो भी फिल्म, और हीरोइन का इसमें कोई रोल नहीं है, खास करके भाइयों को देखना चाहिए। और जो बोलते हैं ना मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ, तो ये सब साइड में रखो और इंसानियत के लिए आगे बढ़ो, तब जाके यकीन होगा अपने आप पर। मूवी से भाईचारा दिख रहा है, वोर नहीं होनी चाहिए, गांधी जी के रूल्स पे चलो एंड बस। मूवी में यही था कि सीख अच्छी से मिली, बट जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल बेकार थी, उस वजह से मूवी किसी को पसंद नहीं आएगी, ये तो मुझे पता है। मुझे यकीन है मूवी फ्लॉप होने वाली है। शाहरुख सलमान को एक साथ देखना कितना खास था? खास तो उतना नहीं था, लेकिन ज़बरदस्त लगा। एक साथ तीन खान मिले और तीन खान मिल के ज़बरदस्त कहानी हुआ और बहुत खूबसूरत। अच्छा, शाहरुख सलमान एक साथ थे, ऐसा लग, आप उम्मीद कर सकते हैं? पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाईजान को, शाहरुख खान को ले लो ही मत भाई। यार एक रोल दिया छोटा और वो भी इतना बकवास रोल था, उसके जगह अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी लेते थे ना भाई, तो ऑडियंस खड़े रह के ना ताली बजा देती। तो है ना, नेक्स्ट टाइम भाई जान सोच समझ कर लेना। कितने स्टार देंगे? फाइव स्टार, फाइव स्टार। वो भी फाइव स्टार क्यों, ओम पुरी जी के लिए। हाँ ओके, आप कितने स्टार देंगे? मैं तो पूरा का पूरा स्टार देने वाला हूँ। पाँच वो एंड हाफ मूवी को, और एसआरकी को मैं दो देना चाहूँगा। इधर है ना,